अगर आप इस चीज को देखें कि मुज़ाकरात की सबसे पहली बात किसने की थी, मुज़ाकरात की सबसे पहली बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी। पीटीआई तो के दो इनके जो लीडर हैं वो तो पहले दिन से ही कह रहा था मैं किसी साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, और हमने इस चीज का आगाज किया और हमने अपने इत्तेहादी जमातों में मेजोरिटी इत्तेहादी जमातों को इस पर राजी किया कि हमें डायलॉग्स करने चाहिए। हालांकि जो 9 सालों में इन्होंने पोलराइजेशन खैबर पख्तूनख्वा में खासकर और फिर 3-4 साल जो इन्होंने मरकज में पोलराइजेशन पॉलिटिकल पोलराइजेशन की उसमें तो जो हमारे इत्तेहादी जमात है जिनको खदशात था उनको जनरल खदशात भी थे उसके बावजूद हम बैठे, लेकिन मैं अभी भी मुझे खदशा है कि पीटीआई वाले जो है वो भाग जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि भाग जाएंगे किससे भाग जाएंगे, रमजान से ईद से एक दिन पहले जब हमारी कमेटी ने बात की असद कैसर ने कहा कि मुझे मैंडेट मिला, और बाद में इनकी अपने ही पार्टी के लीडर ने कहा कि जी असद कैसर को तो मैंने मैंडेट ही नहीं दिया, मैं तो उसकी बात ही नहीं की, वो कैसे किसी और को दिया। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है इमरान खान साहब का वो कभी भी अपनी बात पे कायम नहीं रहते, वो हमेशा जो है वो यू टर्न ले लेते हैं या पतली गली से भाग जाते हैं। तो मुझे अभी भी खदशा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो जो है इस चीज से भाग जाएंगे और वो जो है वो डायलॉग्स को जो है वो किसी किस्म का बहाना बना के इससे भाग। लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें इस मुल्क में जो इस वक्त पोलिटिकल जो है इस वक्त क्राइसिस हैं या इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं जो भी क्राइसिस हैं इसको निकालने के लिए सियासी जमातों को आपस में बैठकर इस काल निकालना चाहिए।